नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम ट्रिगोनोमेट्री का फिर से एडवांस जो आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 180 यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 180 दिया हो तो उस पर किस तरह का आइडेंटिटी बनेंगे, या ए प्लस बी एंगल का जो सम है वो 90 दिया हुआ हो तो उस पर किस तरह का आइडेंटिटी बनेंगे। लेकिन आज मैं बात करूंगा ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ, 45 दिया हो या 225 दिया हो, ठीक है, या ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हो, 135 दिया हो या 315 दिया हो। क्या है कि एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, यहाँ पे 45 है, ठीक है, ये वाला 45 डिग्री है, ये क्या है 135 है, ये है क्या 225, और ये क्या है 315, ठीक है। यानी कि चार एंगल है, 45 और 135, 45, 135, 225 और ये 315, ठीक है, ये चार एंगल है, ठीक है, ये चार एंगल है और ये इधर, ठीक है, ये चार एंगल है, ठीक है। दो का सम अगर इन चारों में से कोई होंगे तो किस तरह का आइडेंटिटी बनेगा, ये बनेगा ए प्लस बी अगर 45 और 225 हो, यानी कि ये वाला रेखा हो, ठीक है, ये हो या ये हो, ठीक है, ये हो या ये क्या दे रहा है, ये क्या बना रहा है 45, और ये क्या दे बनाएगा 245। 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इक्वल टू 2 होता है, 1 माइनस कोट ए इंटू 1 माइनस कोट बी इक्वल टू 2 होता है, ठीक है, अगर 45 और 225 हो। यानी कि अगर एंगल ए प्लस बी का जो सम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या थर्ड क्वाड्रेंट में हो, आइडेंटिटी ये दोनों आएगी, ठीक है। और अगर एंगल का सम यानी कि इन दोनों एंगल का सम, ए प्लस बी का सम सेकेंड क्वाड्रेंट में हो और थर्ड क्वाड्रेंट में हो, यानी कि वो 135 हो और 315 हो, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा इन दोनों का सम एग्जैक्ट, ये नहीं कि इससे कम, एग्जैक्ट 135 हो या 315 हो, तो उसका आइडेंटिटी ये होगा। देखिए, ये जस्ट इसका इन्वर्स है, ठीक है, यहाँ पे सभी जगह प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे सभी जगह माइनस है, ठीक है, टेन में, यहाँ पे कॉट में सभी जगह माइनस है तो यहाँ पे कॉट में सभी जगह प्लस है, ठीक है। तो एक्चुअली कह क्या रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर रहेगा तो जो ऊपर रहेगा, ठीक है, जो ऊपर वाला जो आइडेंटिटी बनता है उसका रिवर्स बन जाता है, अगर ये वाला लाइन अगर वो एंगल, ठीक है, ये कितना हो, ये होता है 135 और ये वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है 315, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी कैसे आते हैं, देखिए ये आइडेंटिटी कैसे आएंगे, अगर हम पहला आइडेंटिटी को प्रूव करें तो हम इसको टेन ले लें, टेन ए प्लस बी ले लें, और इधर क्या हो जाएगा 10 45, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 a + 10 b / 1 - 10 a 10 b इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, 10 a + 10 b इक्वल टू 1 - 10 a 10 b, ठीक है। इसको इधर ले आए तो 10 a + 10 b + 10 a 10 b इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है, 1 ऐड कर देते हैं, इसमें भी +1 कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम कॉमन लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 a कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 10 b 10 b, और ये क्या हो जाएगा +1 * 1 + 10 b, ठीक है, इक्वल टू 2, यानी कि 10 a + 1 * 10 b + 1 इक्वल टू 2, ठीक है, ये प्रूव हो गया, ठीक है, ये प्रूव हो गया, क्या ये आ गया 10 a + 1 10 b + 1 10 b + 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको भी लाना है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, कॉट ले लेंगे दोनों तरफ, तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 225 अगर होता तो 10 यहाँ पे 225 भी लेते हैं, 225 भी लेते हैं तो यही आंसर आता, ठीक है। तो अगर हमको फिर प्रूफ करना है 1 - cot a * 1 - cot b इक्वल टू 2 प्रूफ करना है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे कॉट ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कॉट ले लेंगे, यहाँ पे भी कॉट ले लेंगे, ठीक है, तो ये हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रूफ नहीं करनी है, प्रूफ करके मैं दिखा दिया हूँ कि कैसे ये चीज़ें आती है, ठीक है। आपको बेसिकली ये आइडेंटिटी याद करनी है, याद करने का तरीका क्या है कि ए प्लस बी अगर ये वाला लाइन हो, ठीक है, ये वाला लाइन हो, यानी कि ये वाला लाइन क्या बनाता है, ये वाला लाइन 45 बनाता है और यहाँ पे 225
25 बनाता है, ठीक है। तो ये वाला लाइन होगा तो स्टार्ट करेंगे क्या से, यहाँ से स्टार्ट होता है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, यहाँ पे टेन या सभी एंगल क्या होते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, 1 + tan A 1 + tan B ठीक है इक्वल टू 2 होगा, ठीक है लास्ट में 2 याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस हो गया तो एक निगेटिव भी चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल बनाने के लिए, कोई भी सब्सटेंस को न्यूट्रल बनाने के लिए पॉजिटिव निगेटिव चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट के साथ ये निगेटिव आएगा, ठीक है। अब इस लाइन को देखें, ये लाइन क्या बनाएगा, ये लाइन बनाएगा 135 और 315, ठीक है एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे प्लस से स्टार्ट किए तो यहाँ पे माइनस से स्टार्ट करेंगे, टेन पहले आएगा, ठीक है तो माइनस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ जब माइनस से स्टार्ट किए तो इसमें क्या आ जाएगा, कोट वाला में प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो 135 रहे, 315 रहे, ए प्लस बी का, तो इस तरह से होगा, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 + tan1 × 1 + tan2 इस तरह से आगे क्या तक जा रहा है, 1 + tan 45 तक जा रहा है ये सीरीज, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो आप देखिए 1 + something करना है, अगर उसका वैल्यू 45 आ रहा है टेन में कुछ, तो इस तरह का जो आइडेंटिटी है उसमें से कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इससे पहले क्या होगा, इससे पहले होगा 1 + tan 44 होगा, ठीक है 1 + tan 44 होगा उससे पहले। तो देखिए 1 और 44 मिलके 45 बना रहे हैं, यानी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिलके क्या बनाएंगे, ये आइडेंटिटी बनाएंगे, ठीक है ये आइडेंटिटी बनाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, यानी कि इस तरह से कितने पेयर बनेंगे, एक 2 का बनेगा किससे, 43 से बनेगा 2 का, तो इस तरह से कितने पेयर बनेंगे, 22 पेयर बनेंगे, 22 पेयर, तो 2 के पावर कितना होगा, 22, एक पेयर के लिए 2 वैल्यू आती है, तो 22 पेयर के लिए 2 टू द पावर 22 हो गई। अब हमारा ये एक पेयर है जो बच गया, ठीक है ये पेयर बच गया, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है 1 + 45 टेन क्या होता है, 1, यानी कि 2 टू द पावर 23, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 10 100 है और 10 35 है, अगर इन दोनों को सम करते हैं तो 100 + 35 क्या आता है, 135, और 135 10 में कुछ अगर दिखता है तो आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली, ठीक है 1 - tan A 1 - tan B। यहाँ पे देखिए 1 - tan A 1 - tan A इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 - tan 100 × 1 - tan 35 इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको अगर माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिए तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये लिखाएगा, तो माइनस इसका कॉमन, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये वाला आइडेंटिटी हमको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी दिख रहा है तो डायरेक्ट हम इसका आंसर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमको आइडेंटिटी पता हो, ठीक है, बेसिकली हमको ध्यान क्या रखनी है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो, 45 हो, 225 हो, या 135 हो, 315 हो, ये वाला आपको डंडा याद रखनी है, ये डंडा और ये डंडा, ठीक है कहाँ कहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी का यूज करके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये ट्रिगोमेट्री का लास्ट आइडेंटिटी है, ठीक है, इसके बाद थ्योरी बोल सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपन एडवांस लेवल के जो भी प्रश्न चुनिंदा मिलेंगे हमको उसको कराएंगे, अगर कलेक्ट वे में हो गया, 4-5 हो गए, उसको यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि एडवांस तरीके का जो क्वेश्चन होगा, जो थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन होगा, वो आप सेंड करते रहेंगे और मैं भी कलेक्ट करता रहूँगा, उसके बाद जो 4-5 क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएंगे उसको यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि कैसे उस तरह के जो टफ क्वेश्चन है उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आज थ्योरी पोर्शन लास्ट हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। देखिए ये लास्ट आइडेंटिटी है, ये कह रहा है 1/4 sin 3 थीटा अगर होगा तो वो उसका आइडेंटिटी क्या बनता है, sin θ × sin 60 - θ sin 60 + θ, और 1/4 cos 3 θ रहेगा तो cos θ, यहाँ पे सभी जगह वैसा ही रहेगा, ठीक है, सिर्फ cos है तो cos हो जाएगा, tan है तो tan हो जाएगा, यहाँ से इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ tan θ होगा, ठीक है। तो जस्ट ऐसा ही होगा, जहाँ पे tan होगा वहाँ पे सभी जगह tan होगा, जहाँ पे cot होगा वहाँ पे सभी जगह cot होगा, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि 1/4 होता है, इसमें 1/4 होता है, लेकिन इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो tan θ देगा, वो 1/4 1/4 कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो ये ट्रिगोमेट्री का लास्ट आइडेंटिटी है। अब इस पर कुछ प्रश्न देख लेते हैं, देखिए sin 12 sin 48 sin 54 है, ठीक है, इसको अपन को सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए कोई आइडेंटिटी बन रहा है क्या, यहाँ पे बन नहीं रहा है, लेकिन हम बना सकते हैं कैसे, देखिए ये क्या है, 60 - 12 लिखा हुआ है, ठीक है, 48 को 60 - 12 लिख सकते हैं,
तो यानी कि 60 माइनस 12 और ये 12 है, यानी कि थीटा है और 60 माइनस थीटा है, यानी कि 60 प्लस थीटा हमको चाहिए। तो 60 प्लस थीटा क्या हो सकता है, 72 होगा, जो कि 72 इसमें नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 72 अपॉन साइन 72, ठीक है, ये ऊपर नीचे लिख सकते हैं। अब हमारा आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। देखिए ये 12, 48 और 72 मिलकर हमारा आइडेंटिटी बना देता है, कौन सा, ये वाला आइडेंटिटी, 60 प्लस 12 है, 60 माइनस 12 है और ये 12 है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 1/4 sin 3 थीटा, 36, ठीक है, और sin 72, और ये वाला 54 बचा हुआ है, sin 54, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 1/4 sin 36, और इसको 54 को क्या लिख सकते हैं, cos 36 लिख सकते हैं, इसको साइन को कॉस में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 36, और नीचे वाला को क्या लिख सकते हैं, 2 sin 36 cos 36 लिख सकते हैं। इसको sin 2 थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। तो sin 72 को हम लिख सकते हैं 2 sin 36 into cos 36, cos 36 ये कैंसिल करेगा और ये कैंसिल करेगा, तो लास्ट आंसर क्या बच जाएगा, 1/8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं, ये है 6 और क्या है, 66 है, ठीक है। तो यानी कि एक आइडेंटिटी तो हमको दिख रहा है क्या, थीटा है, और ये 60 प्लस थीटा है, यानी कि 60 माइनस थीटा हमको चाहिए, ठीक है। 6 पे tan 54 अपॉन tan 54 लिख सकते हैं, ठीक है। ये और ये मिलके क्या देख सकता है, 10 3 थीटा, यानी कि 18। तो ये बच गया क्या, 10 42 बचा, और ये 54, ठीक है। अब देखिए 10 78, तो अब क्या इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, थीटा है, और ये क्या है, 60 प्लस थीटा है, और ये क्या है, 60 माइनस थीटा है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 3 थीटा क्या होगा, 18 54, 10 54 अपॉन 10 54, इससे ये कैंसिल, तो आंसर 1, ठीक है। तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिटी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज थ्योरी पोर्शन लास्ट हो गया, ठीक है। अब हम कुछ एडवांस जो प्रॉब्लम आपको दिखेंगे वो हमें सेंड कीजिएगा, मैं उसको यहाँ पे बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी, एडवांस का ही टॉपिक होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।